अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जुबैर फारूक एक मतलब फिर आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। आज का जो है व्लॉग जो है वो थोड़ा स्पेशल भी है, क्योंकि आज जो है हम लोग जा रहे हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए अपनी वालदा का। तो उनका पासपोर्ट बनवाने के लिए आज हमें जो है वो रहीना खान जाना होगा पासपोर्ट ऑफिस। तो अभी जो है वो दिन के जो है वो 8:30 बज चुके हैं, टाइम हो चुका है। तो अभी हम मूव आउट करने लगे हैं, निकलने लगे हैं, बाकी चलते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह किधर जाते हैं, क्या क्या करते हैं, तमाम एक्टिविटीज़ दिखाते हैं आपको। अभी जो है मैं रास्ते में हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ रहीना खान की तरफ, क्योंकि पासपोर्ट बनाना है तो पासपोर्ट ऑफिस जा रहा हूँ। और रास्ते में आज मौसम बड़ा कमाल का बना हुआ, नज़ारे आएंगे, नज़ारे जाएंगे, नज़ारे ये कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, वाओ। ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल है रहीना खान का। इन्होंने एक बड़ी जो है वो सेपरेट किस्म की बिल्डिंग बनाई हुई है, तो ये सिटी से भी थोड़ी सी हटकर है। हमें बिल्कुल जो है वो बैक साइड से जो है वो ट्रेस कर रही है वो है गाड़ी, वो भी दूल्हे की। आज शादी और खाना पाती है किसी की, जिंदगी का फैसला होने जा रहा है। देखिए बड़ी स्पीड से आ रहा है, उसे बहुत जल्दी है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे भाई, जल्दी है तो निकल जा, तू निकल जा भाई, तेरी मुझे पता है आज दुल्हन मिल रही है। इतनी स्पीड से गया यार हॉर्न देखा सर, उसको पता है कि आज उसकी शादी का दिन है, तो भाई फिर भी उसको क्या करना चाहिए यार, आज उसके लिए स्पेशल डे है तो उसको मुझसे तो करना ही है भाई, उसको तो जल्दी होनी है। इसको इतनी जल्दी है, इसको इतनी जल्दी है, देख तो सही इसको कितनी जल्दी है भाई। जबरदस्त किस्म का एटमोसफेयर है, इस वक्त बहुत ही कमाल का मौसम है, रोड क्लियर है, लोग जो है वो अपने अपने कामों में जा रहे हैं। अंत हबी भी है या हैया कसुर बुद्धो भी तुमंटी तुमंटी की रुमित दाबो सा सागर ब्रास रब खबाशो बो हाजारे तुन हाजारो तो रोतुन आयुन हाजारे तुन रोते आयुन सोनी लगुन माशाल्लाह माशाल्लाह हैया हैया छतरी छतरी दरखत सोना सोना प्यारा प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह। इस वक्त जो है वो मैं जो है वो डेजर्ट में हूँ, आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, रेत ही रेत है और हो सकता है ये सहारा डेजर्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये डेजर्ट की एक बड़ी आला किस्म है। मैं जब सोने लगा वहाँ से मुझे तो नींद आ रही है, तू चला जा आगे खुद से ही है यार। बैर भाई आपको देखने तो ऑडियंस भी आ गई है यार। Your eyes are open. I can see the world now. ऑडियंस अभी मैं उसे सब्सक्राइब करवा लेता हूं ना भाई से, अगर वो कर देते हैं तो। भाई माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई, अनेक लगा के। मेरा ख्याल है कि मैं उठ ही जाऊं, गाड़ी आ रही है आगे से। आज तो भाई रोड पे ही आ गए थे और स्पेशली वो भाई जा रहे हैं वो वाले बाइक के ऊपर, तो वो जो है रुक के कह रहे थे भाई मैं भी देखूंगा क्या कर रहे हैं आप, तो बड़ा एंजॉय किया हमने। अभी नहीं किया हमने ब्रेकफास्ट यार, ये मैकीज पे नहीं जाना यार, ये खाना खाएंगे सीधा। मैकीज पे तो वैसे भी नहीं जाना होता कभी यार, KFC चला जाए सर, सुबह का वक्त नाश्ता तो करवा दे KFC से करवा दे सर। यार यहाँ पे रात को आएंगे, ये दिन के टाइम क्या खाने यार, सुबह मॉर्निंग में क्या। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठा हुआ और जो है वो भेजा हुआ है लड़के को पासपोर्ट बनाने के लिए, कि यार ये देख क्या क्या प्रोसीजर है। मैं फॉक्स कर रहा हूँ वॉक, मैं जी पासपोर्ट ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे काफी ज्यादा रश है। तो मम्मा भी साथ है मेरे, अभी जो है उनको भेजते हैं अंदर, और जो है आपको पता है इस वक्त रश में तो वैसे भी जान जाती है, मुझे लगता है जैसे मैं रोजा रखा हुआ है, तबीयत खराब होने की वजह से सुबह का खाया भी कुछ नहीं है और भूख भी लगी हुई है। तो अभी जहाँ से फ्री होते हैं फिर इंशाल्लाह करते हैं कुछ। फाइनली जो है वो डिक्सी वीजा पे पहुँच चुके हैं, अभी भी 4 घंटे खड़े होने के बाद पासपोर्ट जो है वो तैयार नहीं हुआ, तो अभी दोबारा जाना है, तो पहले जो है वो कुछ खाना खाएंगे उसके बाद जो है दोबारा जाएंगे।
यहाँ पे आके मतलब थोड़ा रिलैक्स हुआ है। उसके अलावा वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो थक गए थे खड़े होके, और आपको पता है कि इस तरह की इन्वायरमेंट में तो अभी जो है कुछ रिलैक्स हुए हैं, चिल करते हैं। बड़ी मुश्किलों से हसन को मैंने मनाया कि हसन यार मेरे साथ चल, हसन जान ही रहा था, कहता है कि तुझे कोई इस तरह की चीज़ नहीं करानी, आगे तेरी तबीयत भी ठीक। लड़के ने पहले ही कहा हुआ है मांस मारा पत्र, तेरा पता नहीं किधर से आएगा। हसन इस वक्त मेरे साथ है और देखते हैं कि हसन जो है वो कितना खा पाता है, क्योंकि मुझे आगे कह रहा था काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है। आई लव यू, यू कंप्लीट मी। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया है और अभी हम निकल रहे हैं, पासपोर्ट ऑफिस दोबारा जा रहे हैं। अभी तक जो है मम्मा का पासपोर्ट नहीं बना, तो जो है वो दोबारा फिर एक मिनट में जा रहे हैं। बहुत शदीद किस्म का थंडर स्टॉर्म आ गया है, हर बंदा अपने अपने घर में रहे। हर आफ्टर जो है लॉन्ग टाइम उसकी जो है थकन के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं घर की तरफ, और जो है काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि खाना तो खाना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो है वहाँ पे खड़े होकर वेट करना, और आपको पता है गवर्नमेंट के जो है इदारे, तो आपको पता है वहाँ पे ज़रा वेट ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसलिए जो है वो काफ़ी थक चुके हैं। अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, तो अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों से इंशाल्लाह दोबारा अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचे और आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।